ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये सेट में आएंगे 1 to 5 का क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। ये डाटा दिया गया है, ठीक है, इन्हीं को देखकर इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में 3 राज्यों की जनसंख्या संबंधित जानकारी दी गई है, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो पिछले कुछ वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में दी गई है ऊपर, ठीक है, और राज्य वर्ष हमारा लेफ्ट साइड में दिया गया है, और ईयर के आपको दिए गए 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। ओके, तो इसका क्वेश्चन पहला ये बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन सभी वर्षों के दौरान 3 राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है? सभी आंसर करेंगे, आप टाइम ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस धैर्यता की जरूरत है। ओके, अगर किसी का आंसर आ जाएगा इन 4 ऑप्शन में से तो वो मैसेज कर देंगे। ओके, सी, अभी मुझे स्क्रीन पर एक आंसर दिखा। आज राधिका दी नहीं दिख रहे हैं। वो पूजा, लेकिन मैं फर्स्ट पेपर बहुत कम करा, ये मैथ्स का पूरा ही छोड़ा है, आता ही नहीं मुझे। अरे दी, जो लास्ट में आपने किया ना, बिल्कुल वही चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। आपने किया है ना 5th यूनिट 6th यूनिट? नहीं, पूरे कांसर की क्लास भी नहीं ली थी ना मैंने, बाद में ज्वाइन करा। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको कोशिश करो, आपका तुक्का बहुत अच्छा लगता है। मेरा हाँ, ओके, अभी मुझे स्क्रीन पे एक तो मुझे आंसर मिला है। बहुत ही आसान है, बट मैं फीडबैक भी लेना चाहूंगी। मैंने जब सॉल्व किया था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप देखेंगे प्रश्न में मैंने बी मेंशन किया हुआ है, तो अभी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर निकालिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी योगा एंड मेडिटेशन से आंसर निकला था सबसे पहले, सो प्लीज आप अनम्यूट करके एक बार मुझे बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। मैंने दीदी इन सबको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 3 किया, 3 राज्यों का पूछा ना, तीनों राज्य की औसतन संख्या, तो तीनों को करके फिर उसको डिवाइड किया 3 से मैंने। तो आपने ए ए का पूरा आपने ऐड किया, मतलब 2002 का, 2003 का, 2004 से लेके 7, और फिर बी का भी आपने ऐड किया, फिर सी का भी ऐड करके फिर निकाला आपने। तीन तीन राज्य का ही सिर्फ। ओके, ठीक है, चलो, और कोई राधिका दीकर बी आया है ऑप्शन इसमें? आंसर सही है या गलत है, बस मुझे मेरा ये निकल गया, इसलिए मैंने सी कर दिया, मतलब मैंने दूसरा चेक ही नहीं किया, फर्स्ट में मेरा 3.75 आ गया, तो मैंने सी कर दिया, मैंने बाकी चेक ही नहीं किया कुछ भी। पर जो आपका मेथड है कमाल का है, जो मैंने मेथड अप्लाई किया तो उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन ही गलत हो गया था। निगम जी बताएंगे। ओके, MDY से पूछ रहे हैं, निगम जी आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। मैंने इनको तीनों को, मतलब जैसे ए फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वालों को पहले ऐड किया है, फिर बी के सब सबको ऐड किया है, फिर सी को सबको ऐड करके, फिर तीनों को एक साथ ऐड करने के बाद 3 से इनको डिवाइड कर दिया है।
थ्री से आपने डिवाइड किया, तो कितना आया था आपका? आपने ऑप्शन कौन सा दिया मैम? मैंने फर्स्ट दिया है। ओके, ए दिया आपने, ठीक है। चलो 3 पॉइंट सम आंसर आ रहा है, कंफर्म नहीं है। ओके ठीक है, तो मैं अपना आंसर का स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने केवीएस मैदान में देखा है कई क्वेश्चंस उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर सी सी जिन्होंने आंसर दिया मेरे अकॉर्डिंग वो सही है, और बाकियों ने जो मेथड अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग अभी डॉक्टर सर उसको क्लियर कर देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है, मैंने इन सभी वर्षों के दौरान 3 राज्यों को ना लेके मैंने वहां पे बी राज्य लिया है, ठीक है। तो बी का मैंने पूरा ऐड कर दिया 2002 से लेके 2007 तक का, और उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो औसत होता है उसका समीशन एंड डिवाइडेड बाय जितने नंबर होते हैं, ठीक है, जितने ईयर्स होते हैं। तो मैं आपको आंसर शीट प्रेजेंट करती हूँ। यहाँ थोड़ा मुझे भी डाउट है क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि केवीएस मदान जी सही आंसर कर रहे हैं, मे बी ऑप्शन ए भी सही हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप मेरा क्वेश्चन देखेंगे जो मैं समझा रही थी, मैंने ऐसे किया है बी। अगर मैं केवीएस मदान का आंसर में ठीक करना चाहती हूँ तो मैंने बी का लिया ऐसे, ठीक है, बी का डाटा लिया है डिवाइडेड बाय 6 करके मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। अगर कोई सहमत नहीं है तो अभी अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके है, ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ सर ने ओके कर दिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, टाइपिंग एरर, ठीक है। यहाँ पे 3 राज्य नहीं होगा, बी होगा। ओके, अब सबसे निकल जाएगा। अच्छा, एम डी वाई ठीक है, मतलब मेरे आंसर से आप सहमत है या फिर क्वेश्चन ठीक है? पूजा जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर जो बोला है इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं? मतलब आपने बोला है कि मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा आंसर दे रहे हैं, आंसर को ठीक बनाने के लिए तो मैंने बी कर दिया वहां पे ऑप्शन, ठीक है। बट अभी मैम ने 3.5 भी निकाला है, तो उन्होंने सबको ऐड करके निकाला है, ठीक है। मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ऑथेंटिक लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 3 राज्य ने होके बी होगा। ओके, क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया, आप देखेंगे वहां पे मैंने पेन से लिखा हुआ बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नहीं है इशू, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए राज्य की जनसंख्या, ओहो मैंने तो आपको आंसर भी उसका दिखा दिया, किसी ने देख लिया होगा, ठीक। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी तो बिगनर हूँ, सीख रहे हैं। ओके, ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये भी बहुत ही आसान है। यस पुष्पा मैम, कुछ बोल रहे हैं आप? स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा तभी हम राज्य का। ओके, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ऊपर वाला जो नहीं दिख रहा है पूछा दी, राइट वाला बोल क्वेश्चन। अच्छा सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मैं आंसर शीट अभी हटा देती हूँ ताकि आपको डाटा दिखे। ओके, मैंने एक साथ प्रेजेंट कर दिया, मैं कल की तरह स्प्लिट कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो टेबल है वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा, ठीक है जी, आपको इजी रहेगा इससे। ओके चलिए, अब मुझे बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ। कोशिश करना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं।
ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अब आपको सबको भूल जाना है, 2003 को और 2002 को देखना है, सिर्फ इनके आंकड़ों को देखना है ध्यान में। ठीक है, और इसी बनाते हैं। आपको सिर्फ ए का 4.5 2002 और ए का 4.8 2003 यही तक आपको सोचना है और देखना है। अजय देव जी का आंसर आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। MDYC, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी सी। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ता हुआ दिखा। ओके, सो डॉक्टर विश्वनाथ सर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको सबको क्लियर कर दीजिए कैसे आपने सॉल्व किया। योगा एंड मेडिटेशन से सी। ओके, पूछा जो है ये बता, पूछा है कि 2003 जो है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंट, तो बढ़ा कितना है, 4.5 से 4.8 हुआ, मतलब 0.3 बढ़ा है। तो अगर 0.3 बढ़ा है तो हम रेशो का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे परसेंटेज का, तो 4.5 इनिशियली था और 0.3 बढ़ा है, तो हम 100 के लिए कितना बढ़ेगा ऐसा करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, समझो x परसेंट बढ़ेगा, ऐसे अगर हमने किया तो 4.4 के 5 के लिए 0.3, तो 100 के लिए कितना, तो 4.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100, और 4.5 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया, तो x इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.6, और 7 जो है मतलब वो 6666 आएगा, इसीलिए वो 6 का 7 हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो ठीक है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है एक्स वाई जेड का, तो वो उनके लिए बहुत इजी तरीका है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बेस पे निकलता है परसेंटेज, ठीक है, वृद्धि का। ठीक है, तो अभी सर ने बहुत अच्छे से बताया 0.3 तक, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। स्क्रीन पे देखेंगे आप सॉल्यूशन है। 2003 उन्होंने डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस में वृद्धि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है 2003 का और 2002 का, सिर्फ ए को देखना है। 4.8 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब प्रतिशत वृद्धि उन्होंने बोला तो 0.3 अपॉन में 4.5 आपने क्यों लिया, बेस ईयर आपका 2002 है, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर, इनटू 100 करके आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, ये शॉर्टकट ट्रिक, और बाकी सर वाला भी बहुत आसान है एक्स वाई जेड से, तो जो जिसको कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि सबने अपना अपना ट्रिक से ऐसे आंसर निकाले होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सभी को क्लियर है आंसर कर देंगे, ठीक है, यस, और नहीं क्लियर है तो हम फिर से इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो मुझे सहमति मिल गई है मेरे टीम के साथ, मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और 2005 के लिए कितना अंतर है? बहुत आसान है इसमें, तो जिसको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे, बस आपका जो डाटा है उसको ध्यान में रखना है।
ओके अपना समय ले लीजिए पूरा, हमारे पास आज का भी टाइम है और कल का भी टाइम है। ये पुष्पा मैम सी बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तीन राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004-2005 के लिए कितना अंतर है। इट मीन्स आपको क्या देखना है, तीनों राज्य ए बी सी वर्ष 2004 को 2005 को ही ध्यान में रखना, बाकी सबको भूल जाइए, अंतर निकालना है इनका। सी, वेरी गुड, सभी का आंसर आने चाहिए स्क्रीन पर, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हम यहाँ पे नहीं बुलाएंगे आपको। लो सर ने सर ने क्लू भी दे दिया है, ठीक है, इसका आंसर तो एमडी वाई से देंगे, या तो प्रेरणा जी हैं, या फिर नीरज जी, या फिर भावना जी। मैंने तो नहीं किया पूजा जी। ओ चलो, और कोई है एमडी वाई से? हाँ और कोई होंगे, निगम जी बोल रहे हैं 1.1, इट मीन्स सी जा रहा है इनका भी ऑप्शन, ठीक है, समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पुष्पा मैम, अजीत सर का भी आ गया है आंसर, पुष्पा मैम आप अनम्यूट करके बताइए जी। पहले तो हम प्लस कर देंगे 2004 का जो है हमारे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मेरे पास, अभी आ रही है? नो बहुत स्लो है, MDY भी 1.1 है, अभी आ रही है। हेलो, ओके, यस यस मैम अभी क्लियर है। तो अभी पहले हम 2004 में जितने भी ए बी सी है इनको सबको प्लस कर लेंगे, फिर 2005 में जो संख्या है इनको प्लस कर लेंगे, तो इसका आपका एक 15.4 और एक का 14.4 आ रहा है, फिर इसमें 15.4 पॉइंट से माइनस कर देंगे 14.4 को, तो इसका आंसर 1.1 आ जाएगा, तो उसको हम सी से 11 जो लास्ट है इससे कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मैसेज के थ्रू जिन्होंने आंसर दिया उनका भी मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही है, देखा है कितना आसान क्वेश्चन है, आपके एक क्वेश्चन सही हुआ दो नंबर मिल गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो वर्ष 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी। औसत सबको आती है निकालनी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, औसत में होता है सबको ऐड करके जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देना होता है। आपको किसी को नहीं देखना है, चंद्रकला कोठारी मैम का आ गया आंसर, योगा एंड मेडिटेशन का है आ गया आंसर, आपको सिर्फ और सिर्फ 2006 के आंकड़ों को देखना है और डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, ए आ गया आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सभी का, चलो इसका आंसर मैं ही कर देती हूँ। 2006 में आप देखेंगे आपके आंकड़े एमडीवाई से भी आ गया, अजीत देव से भी आ गया, दीपाली कराडे का भी आ गया, मुझे बहुत खुशी होती है आपके आंसर स्क्रीन पर जब मुझे दिखाई देते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, ठीक है। तो 2006 में जो हमारे आंकड़े दिए हुए आप देखेंगे सभी 5.8, 4.1, 6.6 डिवाइडेड बाय 3, क्यों? क्योंकि आपके तीन राज्य हैं सिर्फ, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद 16.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5.5, तो आपका आंसर में है ए 5.5, आपका आंसर बिल्कुल सही है सभी का, वेरी गुड, एमडीवाई से ए, ओके। इस चार्ट से लास्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का वर्ष 2004 और 2005 में कितना अनुपात है। अनुपात को देखकर डर जाते हैं काफी लोग, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
आपके दो आंसर मैं मान के चल रही हूँ बहुत अच्छे गए, तो आपको चार नंबर मिलते हैं सभी को 10 में से। इसको भी सही कर लो आप 50% क्रॉस कर जाओगे। आंसर आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, सभी फिफ्थ का आंसर करेंगे। बहुत ही आसान है इसका भी, बी 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 बी। सभी बी बोल रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया बी। ओके, योगा एंड मेडिटेशन से अनम्यूट करके जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे ऑडियंस को, कैसे आपने अनुपात फाइंड किया? मैम दोनों को ऐड कर दिया तो जो ऐड का कैलकुलेशन था वो आया मैम 14.4 एंड 15.5 आ रहा है, बट इसमें मैम मैं अगर पॉइंट को हटाती हूँ तो मेरा आंसर 144 एंड 155 आएगा, यही आंसर होगा ना मैम? यस परफेक्ट, बिल्कुल सही आपका आंसर, आपको मिलते हैं 1 रुपए पुष्पा मैम के अकाउंट से। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका आंसर और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो सभी को मिलते हैं 1-1 रुपए मैम की तरफ से। ओके, नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी, तो आप सभी 60%। हाँ जी, जिनको नहीं है समझ में आया उसके लिए आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया करो आंसर वाली, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जो इजी है वो तो एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मैं कर देती हूँ, फिर भी कर दो जिनको देखना है वीडियो में काम आ जाएगा। ठीक है जी, अदरवाइज मैं ग्रुप में डाल ही दूंगी इनको। हाँ मैं सॉल्व करके मैं लाई थी क्योंकि पहले मुझे चेक करना था, कई क्वेश्चन मुझे रॉन्ग दिखे यहाँ पे, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट था, बट जो एक्सपर्ट होंगे वो कुछ बात कह सकते हैं उस पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर, मैम ने बिल्कुल यही क्लियर किया। 2004 में जितनी भी जनसंख्या है, आपका डाटा उड़ गया यहाँ का, ठीक है, आप देखेंगे 2004 में जितनी भी हमारे नंबर्स दिए गए उनका उनको ऐड करेंगे तो आपका 14.4 लाख आ गया, और 2005 में कुल जनसंख्या जितनी थी उन सबको ऐड करेंगे तो 15.5 आ गया। अनुपात आपका होता है कि कोई ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो दोनों साइड से कट जाए, एक साथ कटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कटने का तो ऑप्शन ही नहीं है, बट यहाँ क्योंकि ऑप्शन में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन में आपका है 155, 144, कई बार काटने के बाद हमें आंसर दिखता है ऑप्शन में, बट यहाँ पे हमें नीड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे, इट मीन्स हमारा नंबर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। ओके, सो अभी हमारा है नेक्स्ट, ये भी बहुत ही आसान है, आप पहले एक बार अपना डाटा देख लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन लगाती हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सॉरी तो 13 आ गया 6। वर्ष 2004 में ई विद्यालय, सिर्फ ई को देखना है, 2004 को देखना है, से उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, आपको 2004 को देखना है और ई को देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका आंसर सामने स्क्रीन पर। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जिनको डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 2004 में, ठीक है, उपस्थित छात्र, तो सबसे पहले हम इन सबको ऐड कर देंगे। ओके, अब ई की तरफ आते हैं हम, ई विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है?
वर्ष आपका क्या था 2004, इट मीन्स कि 2004 का सार आपको ऐड कर लेना है और ई विद्यालय फिर प्रतिशत फाइंड आउट कर देना है। ओके अभी आंसर बहुत बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, आंसर इसका सी बता रहे हैं सभी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी। ठीक है मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्योंकि इसके बहुत आंसर्स नहीं मिले मुझे। निगम सैनी जी सी। ओके मैं इसके आंसर आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। ओके आपका आंसर जो है स्क्रीनशीट पर है, इन्होंने बोला 2004 में उपस्थित छात्र है ठीक है, पहले हम उसको ऐड कर लेंगे ठीक है। तो 3810 आ गया। आप हमें प्रतिशत किस पे फाइंड आउट करना है, ई विद्यालय में उपस्थित छात्रों के ऊपर, तो 780 ठीक है। तो 780 को टोटल में से हम डिवाइड कर देंगे इनटू 100, हमारा प्रतिशत काउंट हो गया। अब आप देखेंगे ये क्या मैच हो रहा है, 2.4 किससे मैच हो रहा है ऑप्शन में, आपका सी से मैच हो रहा है ठीक है, तो आपका 20% होगा। क्लियर, यस और नो आंसर। यस ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके मिल गया मुझे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर। ए विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी विद्यालय से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत हैं? मैम सेवेंथ क्वेश्चन रह गया है। ओ माय मिस्टेक। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मैं ना स्क्रीन ऊपर नीचे कर करके मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो माय मिस्टेक। बी विद्यालय से क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रही हूँ। बी विद्यालय से सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए कोई लाइफलाइन नहीं। औसत फाइंड आउट करना है, इतना भी मैं हिंट दे देती हूँ, चलो लाइफलाइन यूज करते हैं। बी को ही आपको देखना है, बी में जितने भी आंकड़े दिए गए उनको सबको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है। ये नहीं बताऊंगे कितने से डिवाइड करेंगे। अरे बाबा इसमें तो जल्दी से आंसर आना चाहिए आप सबका। सी एम डी वाई से सी। अरे वाह ये लगा छक्का, बहुत बढ़िया। दीपाली कराडे सभी का, अजीत देव जी एम डी वाई से, वेरी गुड। तभी हम आंसर दिखा देते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे हमारा टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्क्रीन पर ये रहा। ओके बी विद्यालय का औसत मैंने बता ही दिया था, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ओके जी पुष्पा मैम का भी आ गया आंसर, बाकी सभी ने आंसर दिया मैं पढ़ नहीं पाई, सॉरी आपका नाम। तो आपका प्लस करने के बाद 4040 डिवाइडेड बाय 5 करके 808, और ऑप्शन में आपको दिया गया ऑप्शन सी में 808, तो आपका सही आंसर सी है, बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 5 से क्यों डिवाइड करा, ये 4040 तो मेरे आ गया था, मैंने सारे 8 करे थे। अरे वाह दी क्या बात है, देखो दी हाँ। अरे ये कैसे 5 से कैसे किया, ये तो हमको भी नहीं पता। ठीक है दी आ गया ना 5 8 40
40 भी आ गया 8 पॉइंट पर, ये 5 दी, तो दी, दी 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 मैं सुनो सुनो बताती हूँ। आपने सबको ऐड किया 4040 आया, ठीक है। तो कितने नंबरों को ऐड किया आपने? 760, ठीक है, 740, 820 और 880, 840। ये टोटल कितने नंबरों में? 1 2 3 4 5। अच्छा, इसलिए 5। तो औसत कभी भी बोलते हैं। तो आपको सबको ऐड करके जितने नंबर आपने ऐड किए उनको उस नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो औसत का आपका कहीं नहीं जाएगा। देखो एम डी वाई का आ गया, 5 ईयर्स की बात कही गई है। अच्छा, 5 इसीलिए। हाँ ठीक है जी, क्लियर। बस ऐसे पूछ लिया करो जहाँ पे डाउट्स हो। मैं नहीं बता पाऊंगी तो हमारे धुरंधर है हमारे ग्रुप में। ठीक है जी, चलो शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। ए विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी विद्यालय से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत है? और हमारा पेपर ऐसा है कि हम कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो सबको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं बट आंसर कुछ के ही आ रहे हैं। लगता है आप सबको लग रहा है कि ये थ्योरी क्लास है, इसमें पेन कॉपी की नींद है हमको। मतलब 2006 का सभी से परसेंटेज निकालना है, थोड़ा सा उसमें 2006। अरे वाह सर, आपने तो पकड़ लिया बिल्कुल। ओके, तो जो अपना कोशिश कर रहे हैं हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया था, मुझे इस क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा एरर लगा था, ठीक है जी। तो मैं यही चाह रही थी, जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैं डॉक्टर सर का इंतजार कर रही थी कि कब मुझे वो करेक्ट करेंगे, तो थैंक यू। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देखेंगे सबसे नीचे। 2006 में ए विद्यालय में उपस्थित छात्र इसी विद्यालय से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत हैं? तो उनकी टाइपिंग मिस्टेक में ही हो गया था, आगे 2006 लगाना भूल गए शायद। ऑप्शन भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, अब आंसर कीजिए आप सभी। बहुत बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, हिंट मैं दे दूं थोड़ा सा, आपको आसानी हो जाएगा। ए विद्यालय में उपस्थित छात्र, पहले इन सबको आप ऐड कर लीजिए, फिर 2006 का जो है उससे आप प्रतिशत फाइंड आउट कर लीजिए। तो जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है वो अभी मुझे ये ऐड करके बता दें कि ए विद्यालय में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं पूरे साल में, 5 वर्ष में ए विद्यालय में टोटल कितने छात्र उपस्थित हैं? 3,750। मैसेज कर देती हूँ। हाँ, सॉरी, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, 7350। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी जो कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, वर्ष 2006 को देखना है, ठीक है, उसके बेस पर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि छात्रों का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे बेस ईयर क्या लेंगे आप? ए का सबमिशन, और ऊपर क्या होगा? 2006 का वैल्यू इनटू 100। आंसर आ गया आपका। सभी बी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी को मैं बता दूं, स्क्रीन पर आ रहा है जो आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
ओहो बहुत बढ़िया, बी 21.3। ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने में किसी को दिक्कत है? अभी हाँ, ये परसेंटेज कैसे निकाला? सर, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। मुझे आ रही है सर एक चीज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी है, इसमें मेरी भी मैथ्स थोड़ी वीक है। तो जैसे ये इन्होंने पूछा 2006, तो हमने 2006 जो 800 है उसी को ऊपर क्यों रखा है? अच्छा, तो ये प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक जो है एक जगह का एक आंकड़ा है, दूसरे जगह का दूसरा आंकड़ा है। तो अगर ये 10 है और दूसरा 15 है, तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 10 से 10 और 15, उसमें हम उसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 2 से 3, ऐसे हो जाएगा। 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये अनुपात हो गया। ये तो समझ में आया? यस सर, इसमें आंसर करेंगे। हाँ, तो ये जो है तो ये अनुपात हो गया। तो वैसे हमें क्या करना है, हमें दो प्रोपोर्शन लेना है। ये एक हो गया, वैसे दो प्रोपोर्शन लेना है। कैसे लेना है कि बेस ईयर जो है, मतलब जो हमें पूछा गया है जिस साल में मतलब टोटल जो थी अभी 3,750 या कुछ, तो उसमें कितना है, उसमें से 800 विद्या जो स्टूडेंट्स है वो 2006 साल में है। तो ये प्रोपोर्शन हो गया। अभी ऐसा समझो हमें परसेंटेज निकालना है। तो दो परसेंटेज मतलब क्या होता है, हमने सुना देखा है कि परसेंटेज का बेस 100 होता है। बेस मतलब डिनोमिनेटर नीचे। yes, sir. हाँ, तो अगर वो नीचे वाला अगर 100 है और ऊपर वाला हमें फाइंड करना है, तो यहाँ दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे दो इक्वेशन बताए थे ना सूर्या सर ने, वैसे तो ऊपर ऊपर का इक्वेशन है कि 3,750 के लिए 800 स्टूडेंट्स है, और दूसरी नीचे का इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 100 के लिए कितने है, समझो एक्स है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3,750 गुना नीचे वाला एक्स, और इधर जो 100 है और दूसरा जो साइड पे 800 है, तो 800 और जो 100 है इनका गुणन हो जाएगा। ये दोनों का मिला के एक इक्वेशन करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये समानुपात है। समानुपात दो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन, ये अगर समानुपात में है तो उनको हम समान क्रिया करेंगे दोनों में, दोनों साइड से, तो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, इसीलिए ऐसा करेंगे। ये एक मेथड है। अगर आपको जो बुक में दिया हुआ मेथड अगर आपको इजी लगता है तो उसे कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ये कीजिए। और अभी जो सवाल था कि ऊपर का 800 क्यों लिया, क्योंकि वो पहले वाला अनुपात है, 800 आउट ऑफ 3750। अभी हमें क्या फाइंड करना है, विच इज द नंबर आउट ऑफ 100। अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ऑनलाइन में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, कि जिनके बारे में बातचीत होता है उसको ऊपर रखा जाता है। ऐसे 2006 का जो है बात कर रहा था उसको ऊपर रखा जाता है, और टोटल संख्या को नीचे रखा जाता है, और मल्टीपल 100 से किया जाता है। बस सर, सेम सर, मैं भी ये कहना चाह रही थी, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स की, तो मार्क्स हमने देख के 1500 में से हमें मार्क्स मिले हैं, तो टोटल हम नीचे रखेंगे क्योंकि हमारा टोटल है। हमने कितना गेन किया उसमें से 1200 1300 वो हम ऊपर रखते हैं क्योंकि वो उसका पार्ट है, पार्ट ऑफ 1500। सो वो ऊपर रखा जाएगा और टोटल नीचे इनटू 100, देन परसेंटेज हम काउंट कर लेंगे। ऐसा सही है, ये भी हाँ, सही बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, सही। ठीक है सर, थैंक यू। फिर लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है, अभी पहला वाला जो सवाल था ना उसमें थर्ड नंबर का था, उसमें थर्ड नहीं लास्ट वाला फाइव वाला, तो उसमें क्या था, 2005 और 2004 और 2005 का ये पूछा था प्रोपोर्शन, तो उसमें 1 4 4 2 1 5 5, और आंसर में दोनों थे 1 5 5 2 1 4 4 और 1 4 4 2 1 5 5। तो हमें उस टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि किसका अनुपात किससे पूछा गया है। तो वो सिक्वेंस मतलब जो सिक्वेंस है, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, ये उस टाइम बराबर आना चाहिए ऐसे।
ये अभी भी आपने जो बताया वो भी अच्छी बात है। तो जिसको जो इजी लगता है, मैथ्स की खासियत यही है, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कई लोग एक्स वाई से सॉल्व करते हैं, कई लोग ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, बट परसेंटेज में याद रखना 100 को आप इन्वॉल्व करेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो अभी जो अजीत देव जी ने और भावना जी ने बताया और डॉक्टर सर ने बताया वो सभी ठीक है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है उससे सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। 8 क्वेश्चन हो गया, सभी को समझ में आ गया 8, सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर ये रहा। सी और डी विद्यालयों से उपस्थित छात्रों का वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का अनुपात क्या है? बिल्कुल, अभी जो डॉक्टर सर ने बताया अनुपात को आपको ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों को आप एक ही तरीके से काट सके। आपको सी और डी देखना है, बाकी सबको भूल जाना है, और वर्ष है आपका 2004-2005। अनुपात फाइंड आउट करेंगे, आंसर स्क्रीन पर नहीं आया। योग एंड मेडिटेशन से आंसर आता हुआ दिखा स्क्रीन पर, बट मैडम ये तो ऑप्शन में है नहीं, इससे आगे में से हो नहीं रहा। आंसर आने दीजिए, फिर आपके आंसर को हम क्लियर करते हैं, ओके, टेंशन नॉट। क्वेश्चन 9 का आंसर, ठीक है, सभी का आंसर ए दिख रहा है। ओ एटी फोर तो सबने सही निकाला है, बट आपका आंसर ए और सी में ही है, दो में से एक है, ठीक है। समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन पर आंसर प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा समझ में। सी विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2004 और 2005 का ऐड कर देंगे, चंद्रकला कोठारी मैम का आ गया है आंसर ए, और ऐसे ही डी विद्यालय का दोनों वर्षों का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात फाइंड आउट करना, यानी सी और डी का, ठीक है। तो सी का कितना आया समीशन करके 1680, अनुपात 1580, डी का आपका हो गया 1580। अब सर ने समझाया था कोई ऐसा नंबर लेना है जो दोनों तरफ से काट रहा हो, ठीक है। तो आप दो नंबर से काटेंगे, दो से, ठीक है। तो आप देखेंगे जो 16 है, 2 8 16 और 2 4 8, तो आपका 84 आ गया। ऐसे दूसरी साइड जाएंगे, 2 7 14, एक बच गया आपका, और 2 9 18, ठीक है। आपका जो जीरो था, जीरो से जीरो कट गया,
तो कितना आंसर आ गया 84:79। क्लियर सभी को? चौरासी अनुपात 79। क्लियर, ठीक है, ओके। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका इस टेबल का लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। हाँ जी प्लीज मैम, अगर हमें यहाँ तक ही आए और आगे अगर नहीं कट पाए तो फिर एग्जाम में ओ जी फिर तो गए आपका सारा एफर्ट नील। बट कोई बात नहीं, अभी जैसे देखा आपने 84 किया ना, तो नियर बाय, कई बार होते हैं नियर बाय भी, अगर आपका आंसर आ रहा है आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑप्शन होने के होने का फायदा ये होता है कि हमें चार में से कोई एक तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन पूजा जी दो से कट रहा है इसलिए दो ले लिए मन से, ऐसा बोलिए आप। हरिओम हरिओम। हाँ, अगर दो नंबर आपको मिल जाते हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किससे काटे, तो सबसे पहले दो से काटना है। दो से अगर कटता है, हाँ दो से अगर कटता है तो अच्छी बात है। दो से कब कटेगा कि दोनों के जो एकम स्थान है तो वहां पे सेम मतलब क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर हो जाएगा। सम संख्या अगर होगी दो से कटेगा, अगर सम संख्या नहीं है तो कौन सा, तीन का जो डिवीजन का रूल बताया गया है ना, तीन से संख्या को डिविजिबल है या नहीं है, तो जो हमने इक्वेशन का चार्ट दिया था ना तो उसमें प्रमिला मैडम ने सभी जो संख्याएं है उसको तीन से, दो से, अभी सात से, चार से, उससे अगर हम डिवीजन कर सकते हैं या नहीं उसकी ट्रिक उसमें दी हुई, वो जो पीडीएफ है उसमें आप देख लीजिए, उसको एक दो बार ट्राई कीजिए तो हो जाएगा, तो हम आपको सर, समझ में आएगा कि किससे आपको डिवीजन करना है ऐसे। यस, फिर भी ना समझे तो दो से, फिर भी ना समझे ना तो दो से शुरू करना है, तीन से शुरू करना है, उसमें हो जाएगा वो। पूजा जी यानी नाइन्थ का आंसर ए ही है ना, सी नहीं ना? सी है, हाँ ये ए है, सॉरी ए है, ठीक है ना? यस ए है, ठीक है। तो सूर्या सर ने बहुत अच्छे से, मैंने देखा उनका वीडियो क्योंकि उस टाइम मैंने मिस कर दिया था, तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उनके, उन्होंने यही चीजें समझाई है वहाँ पे, ठीक है, कि कैसे कि हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इजली, कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, कैसे हम अनुपात को सॉल्व करेंगे, कैसे हम परसेंटेज को निकालेंगे, वो बेसिक है। जिसको बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप देख लीजिए, प्लस आपको ऑड इवन को ध्यान में रखना है, ठीक है जी, तो सॉल्व हो जाएगा आपका आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका स्क्रीन पर। 2007 के लिए सभी विद्यालयों में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत क्या है? बिल्कुल देखो आपका औसत का फिर से क्वेश्चन आ गया, कितने अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है आपके औसत की। सभी आंसर करेंगे स्क्रीन को देखकर, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ 2007 को ही देखना है। औसत के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, भी आंसर आता है दिख रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी हम बातें करेंगे पर्सनल तभी स्ट्रेस में आ गए। बी निगम सैनी जी का बी, पुष्पा मैम का भी, ओके मैं हिंट देती हूँ फिर से, 2007 का जितना भी है ईयर का उन सबको ऐड करना है, और राधिका दी ने पूछा था पांच कैसे आया, आप तो पांच सालों से आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करना है ना। हाँ जी, स्क्रीन पर कोई बात नहीं दी, प्रैक्टिस से हो जाता है। कैलकुलेटर थोड़ी ना ले जा सकते होंगे एग्जाम में,
जोड़ने में ही एक फायदा ये है ना, वहाँ पे आपको पेपर पेन देते हैं। हाँ ठीक है, तो उसका उनको पेपर पेन खूब सारा यूज करना, ठीक है। बट इस वाले पोर्शन को बाद में करना जब टाइम मिलेगा तब, है ना, पता चला इसके उसमें लगे रहे और फिर हमारा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। इसको माइंड रिलैक्स करके सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दे दूं, इसका आंसर सी बिल्कुल, बी आपका बिल्कुल सही है, 836। आई थिंक इसको मुझे स्क्रीन का आंसर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल मैं ऐसे बोल देती हूँ। 750 वर्ष 2007 को देखेंगे सभी, जो वीडियो में देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग में वो भी सुन लेंगे। 750 प्लस 880 प्लस 920 प्लस 840 प्लस 790 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों? 5 साल इसमें दिए हुए, ठीक है। तो आपका इनको सम करके कितना आता है, 4180 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 836, 836। तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है 836, बी पर है, तो आपका सही आंसर 836, ठीक है जी। चलो तो अभी मुझे आप सभी ये बताइए, 9:03 हो गया है, मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए थे बट वो भी पूरे नहीं हुए हमारे, तो आप सभी मुझे यस और नो में आंसर कीजिए कि आज ही हम 9:30 तक अपना कंटिन्यू रखें या फिर किसी और दिन करेंगे, क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं कल नहीं करवा पाऊंगी। तो या 9:30 करें या फिर हमारे ये फर्स्ट पेपर के बाकी सारे यूनिट हो जाएंगे ना, टाइम बचेगा, फिर सैटरडे को संडे को एक्स्ट्रा टाइम लेके हम लोग कर लेंगे कभी भी। तो था सभी मुझे यस नो करेंगे, अभी करना है कंटिन्यू या फिर बाद में? यस अभी के लिए, नो बाद के लिए। ओके स्मिता मैम का बाद में। जी दी, मुझे एवरेज में प्रॉब्लम नहीं, मुझे परसेंटेज में, टाइम डिस्टेंस में और इन काफी में चीजों में प्रॉब्लम है दी। ठीक है, तो मुझे कुछ मैसेज मिल गया। पूनम मैम प्लीज आप फिर से अपना आंसर कीजिए, क्या दिया MDY? ओके बोल रहे हैं, ओके का मतलब क्या है, यस और नो? ओके पूनम मैम बोल रहे यस, मतलब आज ही आप करना चाहते हैं, बाद में नहीं, यस आज ही करना चाहते हैं। देखो मैं बता दूं, ये वाला टॉपिक ऐसा है कि आप डेली 5-5 क्वेश्चन करेंगे ना तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और मैंने देखा हमारा पेपर इतना इजी फर्स्ट पेपर का कि उसमें बार बार औसत आपसे पूछ रहे हैं, परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं और आपके कुछ ओरल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि आप कंपेयर करके बताओ, टेबल को देख के आंसर दे देंगे कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, प्लस माइनस पूछ रहे हैं। 10th क्लास का मैथ से पूछा, मुझे तो 10th क्लास की याद आ गई, मैंने आज पहली बार लगाया लेकिन लग गया। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत जोड़ने में इतना सारा जोड़ने में टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर पाड़े बोलो फिर काटो। बचपन लौट आया। ओके तो दी को अपना 10th क्लास याद आ गया, तो ठीक है। तो भी ऐसा बीच बीच में चल रहा है, यस नो यस नो, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, 50-50% आ रहा है यस नो। एक MDY भी हमारे लेफ्ट हो गए हैं, तो फाइनल डिसीजन पूनम मैम आप बताइए, मैं कंटिन्यू करूँ या फिर बंद करूँ इसको? जी मुझे चलेगा कंटिन्यू आज। ओके तो MDY से एक चले गए, बाकी 2-3 लोग हैं जो यस बोल रहे हैं। डॉक्टर सर कंटिन्यू करें या फिर बंद करें? नहीं नहीं सबको फायदा मिलना चाहिए ना, शामिल तो सबने होना चाहिए ना, है ना। हाँ तो पुनः मैम हाँ, थोड़ा तो सा मैं... जो रुके हैं उनके लिए थोड़ा सा, फिर हम जो कल मेरा ये मतलब कनेक्शन गया था ना, तो कल जो बताने वाला था मैं अभी बताता हूँ, फिर चलेगा? बहुत बढ़िया ठीक है, तो हम अपने टाइम को ना यूटिलाइज करते हैं। ओके ओके तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट, यस सर जस्ट 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। यस ओके, जो ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे बाद में रिकॉर्डिंग जो देखेंगे, और उन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपना डेली कीजिए
और जो अभी आपका फिफ्थ यूनिट में मैथ्स के पोर्शंस कराए गए, टॉपिक दिए गए, उनको क्लियर कीजिए। अगर वहां से आपका परसेंटेज और आपका रेशियो क्लियर है तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्किप कोई ना करके एग्जाम में। तो अभी डॉक्टर सर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वेन डायग्राम का, वो हम लोग करते हैं, फिर कभी नेक्स्ट दिन हम लोग अपना आगे का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ओके। तो जो कल का था अभी लॉजिकल रीजनिंग का, तो उसमें होता क्या है कि हमें तीन, जैसे हमने बोला था सिटिंग अरेंजमेंट के लिए दो सर्कल निकालने हैं, उसमें पोजीशन तो हमें एक में सरीकी देनी है, लेकिन क्या होता है कि बीच में जो डिस्टेंस है दोनों में से ज्यादा रखे कम रखे, ऐसे हमें सवाल आता है, तो हम दो सर्कल निकालेंगे, वो एक आइडिया मैंने बताया था। तो वैसे ये जो लॉजिकल रीजनिंग का है उसमें क्या करना है कि एक सर्कल निकालना है, मतलब एक तीन सर्कल निकाल के रखना है। पॉसिबिलिटी कितनी रहती है, हमने देखा था ए ई आई ओ, चार चार पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपको वो लेक्चर याद है तो उसमें हमने बताया था कि व्याप्तता, मतलब जो चीजें बताई गई है वाक्यों में, तो उनसे हम डायग्राम जो बनाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है तो वैसे तो 256 रहती है, लेकिन उसमें जो है 245 जो है वो इनवैलिड रहती है, और जो वैलिड है उनमें ज्यादा करके काम में आने वाली चार है, तो चौथी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तीनों जो है पहली, ये सबको समझ में आने वाली है। वो हम डायग्राम जैसे हम ए आई वो जो ज्योति जो है ना वो निकाल के रखेंगे ना जैसे, तो वैसे ये भी डायग्राम आप निकाल के रखोगे तो आपको फायदा होगा। ये डायग्राम कैसे निकालनी है, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल, उसके अंदर ये क्या हो गया पॉसिबिलिटी कि अंदर का जो है सर, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा सर। ऐसे हाँ यस सर, मोबाइल में हो सकेगा कि पता नहीं, एक मिनट, प्रेजेंटेशन हो सकतेगा क्या? शेयर प्रेजेंटेशन, स्टार्ट शेयरिंग, रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, जीमेल स्टार्ट नाउ। लेकिन मुझे कोई तो पीडीएफ शेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। पूजा जी, आप अगर ब्लैंक पीडीएफ शेयर करेंगी उसमें आप पेन चला पाएगी, मैं बताऊंगा, वैसे आप निकाल सकती है, उसमें ड्रॉ कर सकती है। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने भी वो उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया है। नहीं, कौन सा भी पीडीएफ ये करी है ब्लैंक। अच्छा, तो सर उसमें पेन कैसे चलेगा? वो हाइलाइटर रहता है ना सर, मैंने वो ऐप डिलीट कर दिया मेरे फोन से। ठीक है, अभी इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, या उसका मैं जो सर सर एक ऑप्शन है। हाँ, सर आप अपना वीडियो चालू करो और एक पेपर पे ड्रॉ करे और वो वीडियो में दिखाए। अगर ठीक से दिखता है तो बोल दीजिए, मैं करता हूँ। ओके, बेटर आइडिया मैम, पूना मैम कमाल के हैं आप, थैंक यू। हाँ यस सर, आपका कैमरा जो है, हाँ ठीक है, पेपर पेन दिख रहा है हमको। ओके, ये जो डायग्राम है दिख रहा है आपको? जी सर। जस्ट ओके, अभी इसके अंदर एक आएगा, दिखता है? जी सर। हाँ, अभी ये समझो ए है और ये बी है, तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा सब ए बी है। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ, बाकी किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। ये जो ए है, ये ए वाला जो कहेगा, यहाँ पे मैं ये साइड में दिखता हूँ, ऑल ए आर बी, सब ए बी है, ये सही है? ये जो डायग्राम है इसमें ए और ये बी, और ये जो सेंटेंस है और ये डायग्राम है, ये मैच करता है, इसमें किसी को दिक्कत है? ओके, तो ये जो है ये एक डायग्राम, तो अगर ऐसा ऑप्शन आ गया है
तो आपको ये जो डायग्राम है ये काम में आने वाला है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, कुछ कुछ आएगा, कुछ पहली क्या थी, ए ऑल, दूसरी क्या है, कुछ, इसका मतलब है सम। तो इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, मैथमेटिकली बोला जाए तो ए इंटरसेक्शन बी है। और उसमें क्या है, कुछ ए है कुछ बी है, ऐसे। तो ये क्या कहेंगे, ये अगर इसको हम समझो सी नाम देंगे, सी, तो सी सी इज इक्वल टू सम बी। सी क्या है, कुछ ए है कुछ बी है, ऐसे। तो ये कुछ कुछ, ये तो ये डायग्राम काम में आएगा आपको, अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ है तो। तीसरा जो हो सकता है, नन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये क्या हो गया, ये ए है बी है, इसमें कुछ नहीं है, कौन सा भी ए बी नहीं है, कौन सा भी बी ए नहीं है, समझ में आया, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, तीनों अगर ये सामने है आपके, तो ये जो है, और चौथा जो रहता है, तो वो उसमें थोड़ा सा, अब ये तीसरा प्लेयर आ जाएगा, तो ये तीसरा जो है ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये एक साइड पे हो सकता है या दोनों साइड, दोनों को भी ऑक्यूपाई करने वाला हो सकता है, ये चार पॉसिबिलिटी होती है। ये टेक्निकली देखा जाए तो ए आई ओ, ए ई आई ओ, ये जो सेंटेंसेस थे ना उसके जैसा ही है ये लॉजिकल। तो इसके लिए पहला वाला ऑल सम नन एंड, ये थोड़ा सा उसको हम बाजू रखेंगे, ये तीनों डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो लॉजिकल रीजनिंग का जो है, ये सेंटेंस टू डायग्राम एंड डायग्राम टू सेंटेंसेस, ये आपको कन्वर्जन आ गया तो इजी जाएगा। ओके, इसमें कुछ दिक्कत है सर अभी? ए हाँ, आई सर आपने जो वोवल्स मेंशन किया ये क्या चीज है, ए ई आई ओ यू यू भी ये आएगा जो है इसमें ना, या फिर ए ई आई ओ है बस? ये नहीं, यू नहीं है, ये जो है ओके ना, सर ये अगर आप केपीएस मदान में देखेंगे तो ये लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, तो उसमें हमें क्या बताया गया है, डिडक्शन कैसे करना है, इंडक्शन कैसे करना है। हाँ, तो ओके उसमें सर पहले वाक्य बनाना पड़ता है ना, ये चर थे वहां पे, या वैसे ये था ना प्रेडिकेट सब्जेक्ट वो था ना, तो उसका हमने देखा था कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वैसे वहां तो थ्योरी देखी थी। तो ये है, तो ये ए आई ओ, ये जो है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग का बेस है, ये ए टाइप का वाक्य, ये ऐसे चार्ट बनाया था मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा चार्ट बनाया था। हाँ, ये नोट्स में भी होगा और वीडियो में भी है, ए आई ओ। हाँ, तो ये दोनों जगह पे है, ये जगह यहाँ पे नहीं है, ऐसे ऐसे बनाया था वो। तो ऐसे जो था ना, वो उस वीडियो में भी है और आपके जो दिए हुए पीडीएफ है उसमें भी है। तो ये अगर समझ में आ गया, तो और एक मैं बात बताने वाला हूँ, ये लॉजिकल रीजनिंग को इजी बनाने के लिए, इसमें किसी को दिक्कत है, ये वाला ए, ये आपको बनाना है जैसे ज्योति बनाते हैं ना वैसे। हाँ, इस ये तीनों में या चारों में से कोई तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद में आपको उसके निष्कर्ष जो है उसका इवेल्युएशन करने में आसानी हो जाएगी। सर, मेरा डायग्राम बन जाता है पर सर कंक्लूजन में सर मेरा बहुत मुझे प्रॉब्लम आती है सर। डायग्राम तो मैं बना लेती हूँ सर। अच्छा, तो डायग्राम जो बनाती है ना, तो उसकी प्रोसेस जो है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि दिमाग से हट जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी हम ब्लिंक करते हैं, आई जो है ना, आंख हमारी ब्लिंक कर जाती है। हाँ, और अचानक से सामने से गाड़ी आ जाती है, तो वैसे ही हम जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना, तो कभी कभी हमें ब्लिंक ब्लिंक हो जाता है, इसीलिए हम उसको ब्लैंक भी बोलते हैं। तो उसी लिए क्या करना है, ये स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज जो हम सेंटेंस है, तो
वो सेंटेंस टू डायग्राम जो स्टेप्स हम करेंगे ना, वो चाहिए तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि वो कैसे लिखना है। केपीएस मैदान में भी दिया है, मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। चलो, कुछ सेब संतरे, संतरे नहीं अमरूद करता हूं क्योंकि वो अ आएगा और ये सेब का मुझे स लेना है, अमरूद है। क्या लिखा है मैंने, कुछ सेब अमरूद है, दिख रहा है क्या? जी सर, जी सर। हाँ तो ये देखिए, कुछ सेब अमरूद है ना, तो इसको हम डायग्राम बनाने वाले हैं, जिसको फास्ट आता है वो जल्दी बना पाएगा ना। तो हमने क्या देखा है, कुछ है, कुछ है तो इसका मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी है इसमें से, एक दो तीन चार, कौन सी है, एबीसी वाला सर, जिसमें सी कुछ दिखाया आपने। या सही बात है, तो ये पॉसिबिलिटी को हमने चूज किया। ओके ओके, हाँ अभी देखिए अभी स्टेप वाइज जाना है, ये हमने चूज किया। अगर ये फिट होता है तो ये वाक्य हमारा जो है इसमें फिट हो जाना चाहिए। तो ये जो है सेब है अमरूद है, इसमें क्या है, दो है, है का यहाँ पे कुछ बन करना नहीं है, कुछ को हमने ड्रॉ कर लिया है, समझ में आ रहा है, कुछ को हमने ड्रॉ कर लिया है, ये कुछ है। तो ये कुछ सेब मतलब ये वाला सेब है, यस अमरूद है। अभी अभी तो अभी किसी को दिक्कत है, कुछ सेब, ये जो सेब है ना, ये यहाँ पे सेब है, सभी देखो, ये भी अभी देखो, ये सब सेब है, उसमें से कुछ सेब जो है ना, ये वाले, ये बीच के, ये अमरूद भी है। तो ये समझ में आया, ये ऐसे ड्रॉ करना है, तो इस यहाँ पे क्या लिखना है, यस यहाँ पे लिखना है ए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। जिसको डायग्राम बनाना आता है उसने ये स्टेप्स भी पेपर पर करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बाद में हमें ये स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ये स्टेप्स लिखना है। इसीलिए तो एरिस्टोटल ने 256 मॉडल बताया है ऐसे। ये इसमें कुछ कुछ ना समझो तो बोल दीजिए। अगर ये हो गया है पूरा ये चार ऑप्शन वाला, तो मैं और एक बताने वाला हूँ। सर इसमें नल समझ में नहीं आया, नल वाला जो बता, ये नन वाला देखिए, ये देखिए, अभी अभी हाँ बोल देता हूँ मैं, अभी देखिए कि आप राधिका जी बोल रही है, सही बात है। हाँ सर, हाँ अभी आप राधिका जी है, आप पूजा देवी जी है क्या, आप पूजा देवी जी हो सकती हो क्या, नहीं नहीं नहीं। तो ये जो है इसको मैंने चेंज कर लिया, एक एक राधिका जी के लिए आर लिया, इसको पूजा देवी जी के लिए पी कर दिया। तो ये जो है राधिका जी जो है ये पूजा देवी जी नहीं है, पूजा देवी जो है ये राधिका जी नहीं है, तो ये नन हो गया, ये दोनों कुछ शेयर नहीं करती है। चलो हम ये डायग्राम जो है इसको चेंज करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब ये इसको हम कुछ में कैसे ट्रांसफर करेंगे कि कुछ पूजा देवी जो है, पूजा देवी जी जो है वो नेट दे रही है और कुछ राधिका जी जो है वो भी नेट दे रही है। तो ये जो है बीच वाला जो है ना ये नेट है और ये जो है ये राधिका जी, ये बहुत सारी राधिका जी है लेकिन उसमें से जो नेट दे रही है वो ये है, और पूजा देवी जी बहुत सारी है लेकिन उसमें से कुछ नेट दे रही है तो ये है, तो ये बीच वाला जो है ये ऐसे शेयर हो गया। अभी समझ में आया? हाँ आ गया सर, बहुत अच्छे से। यस, अभी अगर नन है इसमें कुछ रिलेशन नहीं है, नॉन रिलेशन इज थर्ड ऑप्शन, ये वाला नो रिलेशन, इसमें इंटरसेक्शन बोला है मैंने मैथमेटिकली, इसमें कुछ रिलेशन है समझने के लिए हमें हिंदी में, यहाँ पे तो पूरा ऑक्यूपाई किया है। मराठी में हमारे यहाँ बोलते थे बच्चे लोग, एक रुपया चांदी सा सारा देश गांधी सा, मतलब एक रुपया के ऊपर जो चांदी का निशान रहता है तो सारा देश गांधी जी की पूजा करता है ऐसे। तो वैसे जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया है सब, अभी ये जो है सब नेट के विद्यार्थी है ये वाले, और उनके सब जो मार्गदर्शक है ये राहुल जी है। ये क्या हो गया, ये ऑल हो गया ना, ऑल ऑल का रिलेशन ऐसे। ओके okay.
एमडी एनवाई इसमें कंडीशन डालनी है समझो तो नेट वाले एमडी वाईए वाले विद्यार्थी उनके मार्गदर्शक राहुल एस और भी मार्गदर्शक है तो हम इसमें और भी ये कर सकते हैं, ये रोहित जी है समझो, ये पूजा देवी जी है, ऐसे समझ में आया अभी या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? इन तीनों में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं और एक बताने वाला हूँ, वो भी आपको काम में आने वाली चीज है। वैसे तो चार पांच चीजें हैं लेकिन अभी तो आज तो दो ही बताता हूँ मैं, एक तो मेरा हो गया है सब बता के, ये अगर समझ में आया है तो और एक मैं चीज बताने वाला हूँ लॉजिकल रीजनिंग में काम में आने वाली। ओके कुछ कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब आपको समझ। हाँ बोलिए। एक पूछना है, जो आपने फर्स्ट कंडीशन बनाई है कि सब ए बी हैं, हाँ तो क्या ये बात ऐसी भी हो सकती कि सब बी ए हैं, सेम बात है ये या ये अलग है? अच्छा ये देखिए, ये ए है ये बी है, हा? अगर आप जो बताती है ये कंडीशन है तो बीच वाला जो है उसको बी लगेगा, बाहर वाले को ए लगेगा, हा? ये हम दूसरे तरीके से सुनते हैं। देखिए कि कोई कोई भी अपना नाम बता दीजिए और सरनेम बता दीजिए, सरनेम और नाम। हाँ निगम और सरनेम सैनी। हाँ ये देखिए अभी ये निगम है और ये हाँ, इसमें से आपका नाम कौन सा है, मतलब एक जो पर्सन का नाम है वो कौन सा है और सरनेम कौन सा है? निगम नाम है। निगम नाम है, देखिए ये आप निगम हो, हाँ चलो समझे। हाँ अभी ये जो सैनी जो है बहुत सारे उसमें से एक निगम है जी, अभी समझ में आया जी। ओके अभी दूसरा जो है कंडीशन आपने जो बताया ये तो बाहर के लिए हमने सैनी रखा, अगर सैनी यहाँ पे रखेंगे और निगम जी बाहर, सब निगम सैनी है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, सब निगम जो है हाँ सब निगम सैनी नहीं है, निगम चोपड़ा हो सकते हैं, निगम दूसरे कुछ हो सकते हैं ऐसे, तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है ऐसे। ओके, ये सब सैनी में एक क्वेश्चन हाँ। सॉल्व किया था मैंने, उसमें ना ये मतलब लिखा था कि ये वाली इस वाली कंडीशन को भी उन्होंने सही बता रखा था, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभी तो समझ में आया? हाँ जी चलो ओके अभी मैं अगर अगर हाँ यस ओके अभी और कुछ इसमें कुछ अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं फाइनल वाला जो है एक और एक बताता हूँ ट्रिक, ट्रिक नहीं वो अंडरस्टैंडिंग है, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो कुछ बात नहीं है। ये फोर्थ वाला बताइए सर, थ्री राउंड्स है ना वो। हाँ ये फोर्थ वाला क्या है, ये देखिए अमरूद है सेब है और ये जो है ये पपीता है समझो। ओके तो ये कुछ अमरूद जो है वो सेब है, ये तो हो गया, अभी कुछ पपीते जो है ना ये अमरूद है ऐसे उन्होंने बताया, तो कुछ पपीते अमरूद है इसका मतलब ये तो नहीं बताया उन्होंने कि कुछ पपीते सेब नहीं हो सकते है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, या कुछ अमरूद पपीते है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये वाला यस ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दोनों में से अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए ना तो एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर दो पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें से आप कौन सी चूज करोगे इसको डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो इसके आप आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ वाला जो है उसका ही ये एडवांस फॉर्मूला है ये वाला। ओके हम चाहिए तो फिर से देखेंगे ये जो है ना चार वाला, लेकिन अभी इसमें नहीं बताता मैं, क्योंकि वो जो बेसिक वाले समझ रहे हैं ना उनको दिक्कत हो जाएगी फिर। अभी ये आप पिछली जो नोट्स है और जो वीडियो है उसमें ये जरूर देखिए, ए ई आई ओ ये टाइप का जो वाक्य है ना इसमें ये पूरा मैच करता है ये। अगर नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए, इतना समझ में आया लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तीन सर्कल हमें निकालने हैं और उसको हम बिठाने हैं वाक्य ऐसे जैसे बताया वैसे, ये सेंटेंस टू डायग्राम एंड डायग्राम टू सेंटेंस। ओके तो एक दूसरा जो मैं बताता हूँ उसके लिए कैमरा की जरूरत नहीं होगी शायद, तो मैं बताता हूँ सर मेरे को एक और रिक्वेस्ट थी।
ये तो समझ में आ गया। और अभी जैसे मैम ने बोला था किसी ने उनको परसेंटेज में दिक्कत होता है, तो सर प्लीज उसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे आपके पास तो भी बताइएगा। फिर ठीक है ना, फिर कभी अभी बीच में टाइम हो सकेगा ना तो मैं बता दूंगा। तो हाँ अभी जी सर, लॉजिकल ठीक। रीजनिंग का, हाँ, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमें एक एक ध्यान में रखना है कि जो हमें कंडीशन दी जाती है ना, आधार वाक्य जो रहते हैं ना, ये हमेशा बड़े रहते हैं, और जो उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं ना, ये हमेशा छोटे रहते हैं। ऐसे कैसे होता है? ऐसे किस में होता है? इंडक्शन में होता है या डिडक्शन में होता है? आगमन में होता है या निगमन में होता है? छोटे से बड़ी ओर, ऊपर से नीचे ओर, ऐसे हमने सीखा था ना, राहुल सर ने वो सिखाया था, और मैथमेटिक्स के जो नोट्स है उसमें भी मैंने डायग्राम निकाल के बताया है उसमें। तो आसान सी बात है कि जो डिडक्शन है तो डिडक्शन मतलब वो वस्तुनिष्ठ रहता है, और वो डिडक्शन क्या रहता है कि उसमें आधार बड़ा रहता है और जो निष्कर्ष रहता है वो छोटा रहता है। और जो आगमन जो है उसमें जो डिडक्शन है मतलब जो निष्कर्ष निकालते हैं, ये छोटा ये बड़ा रहता है, और जो आधार वाक्य जो है वो छोटे रहते हैं, ऐसे रहता है। तो हमें डिडक्शन निकालना है, तो आधार वाक्य हमेशा बड़ा रहेगा ऐसा ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ऑड हो जाएगा शायद, पता नहीं, लेकिन ये तो हमें थाली और कटोरी ऐसे अगर आप समझोगे तो वो ठीक रहेगा। ये आधार वाक्य हमेशा थाली रहने वाला है, उसमें से हम कटोरी जैसा निष्कर्ष निकालने वाले हैं, ऐसे ना? तो मेरा ऑलरेडी मैंने बोलना था वो थोड़ा सेंटेंस अलग है, मैं यहाँ पे बताना ऐसे। तो ये ऐसे है कि आधार बड़ा रहेगा, ये तो हमेशा याद रखिए, कौन सा भी जो सेंटेंस रहेगा उसमें आधार वाक्य जो है इससे अगर बड़ा रहता है निष्कर्ष, तो इसका मतलब उसको निगेशन मतलब वो गलत रहने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारे जो सेंटेंसेस या हमें जो दिए गए लॉजिकल रीजनिंग है वो मेनली बेस्ड ऑन डिडक्शंस। तो ये हमेशा अभी मैं बताया मैंने वैसे ही है, वो आधार बड़ा रहेगा निष्कर्ष छोटा रहेगा। अ पार्ट ऑफ दैट आधार दैट विल बी द निष्कर्ष डिडक्शन, ऐसे कंक्लूजन। ओके, इतना काफी है शायद। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, ये हमारी फादर फिगर है, और फादर फिगर से जो बच्चा सन है ये हमेशा छोटा रहेगा, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आधार वाक्य हमारे हमारे फादर फिगर रहेंगे, और जो निष्कर्ष है वो छोटे लोग रहेंगे। तो छोटे लोगों ने कभी भी जो फादर फिगर है उनको क्रॉस नहीं करना है, ज्यादा उनसे बड़ा नहीं होने का चांस करना है। अभी इससे ज्यादा तो ये नहीं होने वाला है, ये शायद आपको समझ में आए, अपनी भाषा में आप समझ लीजिए। हरिओम। सर वो तो फर्स्ट पेपर इजी जाएगा है ना सर? मेहनत जो करेगा उसको सब इजी है, ऐसे मेहनत में भी करने में अगर चूक गया तो मुझे भी नहीं आने वाला है। सर आपको वो योगियों के परिचय की जन्म वृत्ति याद करने की कोई ट्रिक पता है क्या? मैं ना पूरा तो याद कर ले लेकिन उनके जन्म वृत्ति भूल जाती हूँ। चलेगा, मैं बता दूंगा, कभी बता दूंगा मैं भी। जी कोई ओके, ट्रिक होता कि भूले नहीं। जी हाँ बता दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी चलो रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा तो उनको भी एस दिक्कत तो होगी। अभी तो वाइंड अप करें सर। यस यस मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। ओके ठीक है, तो अभी हम सब प्रार्थना करते हैं और कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो सब लोग कल से बिल्कुल माता जी की कृपा के साथ अच्छे से और एनर्जी के साथ हम सब अभ्यास में जुड़ जाएंगे। हमारा पेपर भी नवरात्रि के जस्ट बाद ही है। ठीक है जी, तो अभी प्रार्थना कर लेते हैं, क्लोजिंग मंत्र एंड देन फिर छुट्टी हमारी। थैंक यू ऑल, एंड थैंक सबसे बड़ा वाला थैंक यू तो डॉक्टर विश्वनाथ काले सर का कि वो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, बट सर ने मोटिवेट किया है मुझे, तो मैं थोड़ा फर्स्ट पेपर पे फोकस कर रही हूँ। तो प्रार्थना करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे, भीमा लंबा गहरा श्वास, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक साथ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, उनकी दुआ, उनके ब्लेसिंग्स और हमारे सीनियर के ब्लेसिंग्स, हमारे माता पिता के ब्लेसिंग्स हम सब पर बने रहें। और इसी के साथ आज का MDY का सत्र का समापन करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, आप सभी की रात्रि मंगलमय हो। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अभ्यास के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू पूजा, थैंक यू, थैंक यू दी। दीप दे आप हो ना, मतलब कि